उदयपुर संभाग की चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए MDMA ड्रग्स की 2 किलो की मात्रा जब्त की। दरअसल मंगलवार रात को स्पेशल टास्क फोर्स को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि चित्तौड़ की तरफ एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो जिसमें डोडा चूरा और MDMA ड्रग्स बड़ी मात्रा में रखी हुई है वह आने वाली है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रोड बैरिकेडिंग कराई और रोड बैरिकेडिंग के दौरान स्कॉर्पियो को जब रोका गया तो स्कॉर्पियो चालक ने रोकने की बजाय पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल दिनेश ने पीछा करके उनकी कार को पीछे से टक्कर मारी और नदी में गिरा दिया। MDMA की 2 किलो की मात्रा जो जब्त की गई पुलिस द्वारा, उसकी लगभग इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट 2 करोड़ रुपए आकी गई है, जो कि एक बड़ी मात्रा मानते हुए पुलिस इसको अपनी एक बड़ी सफलता मान रही है।